गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा रहता है कि जहाँ पर जो अंजना आंटी रहती हैं वो कायरा को कह देती हैं कि तुम्हें आना है, और इस बार तुम जब आओगी तो अपनी जो न्यू गर्लफ्रेंड है उसे लेकर आना। आखिर उसके बारे में भी तो पता चले कि वो लायक है कि नहीं, आखिर वो घर इस घर की बहू बनने लायक है कि नहीं, ये चीज़ जानना चाहती थी अंजना आंटी। पर जब कायरा जाती है मोहिनी को बताने के लिए कि तुम्हें मेरे साथ घर चलना है, जिसके लिए वो बिल्कुल उसके साथ गलत बिहेव करती है, गुस्सा करती है, और उस बिहेवियर के बारे में तनु भी उसको काफ़ी अच्छे से बताती है। पर तनु के समझाने के बाद भी जब कायरा रूम पर जाती है तो दोनों का बहुत प्यार से लव मेकिंग होता है, और जिस लव मेकिंग में वो दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हैं, और रात वैसे ही गुजर जाती है। अब मॉर्निंग में कायरा उठो, तुम्हें नहीं जाना है क्या? तो मोहिनी कहती है, तो तभी कायरा कहती है कि क्या हो गया, रात भर तो तुम मुझे सोने नहीं देती हो और अब मुझे सुबह भी इतनी जल्दी उठा रही हो, तो क्या हो गया है, कितना बज रहा है अभी? तो कहती है, ओल जस्ट टाइम देखो तुम्हारा कितना बज रहा है। हाँ, सुबह का 5 बज रहा है और 6 बजे फ्लाइट है, एंड वी डिडंट रेडी राइट नाउ। और तुम्हें पता है ना कि हमें शायद अहमदाबाद जाना है तुम्हारी मम्मी के यहाँ। हाँ हाँ मुझे याद है, पर मैं इतनी ज़्यादा देर कैसे सो सकती हूँ और मैं कैसे भूल सकती हूँ? ओह माय गॉड, मुझे कितनी नींद आ रही है, शायद मैं ढंग से सो भी नहीं पाई हूँ। पर ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई एम जस्ट टोटली मेस्ड अप। इट्स ओके, तुम अभी जल्दी उठो और जल्दी चलो, बहुत देर हो चुकी है अभी, मुझे भी हमें पहुँचते पहुँचते थोड़ा लेट हो जाएंगे। ओके फाइन, चल रहे हैं, मैं बस उठ ही रही हूँ। ऐसे कह के कायरा उठती है, वॉशरूम जाते हैं, दोनों फ्रेश होते हैं और फिर ये लोग जल्दी से अपनी कैब से पहुँचते हैं। दोनों भागते हुए पहुँचते हैं, एयरपोर्ट पहुँचते हैं, फिर वहाँ से वो लोग फ्लाइट पकड़ते हैं और अपने घर की तरफ चले जाते हैं। करीब 6-7 घंटे के ट्रैवल्स के बाद वो लोग पहुँचते हैं अहमदाबाद। पहुँचते ही जो कायरा रहती है वो बहुत एक्साइटेड रहती है मोहिनी को बताने के लिए कि अहमदाबाद कैसा है और उसका सिटी कितनी अच्छी है, मतलब दिल्ली की सिटी से कितनी डिफरेंट है और कितनी सुंदर है, वो सब बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। जो मोहिनी रहती है, जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकलती है तो वो देखती है तो उसे अच्छा लगता है सिटी के बारे में, उसे देख के अच्छी वाइब्स आने लगती है, और उसकी इच्छा तो थी कभी आने की, तो आज वो पूरी होती है। बाहर वे लोग जैसे ही निकलते हैं, वहाँ पर एक ड्राइवर रहता है जो नाम लिखा रहता है कायरा मैम करके, कायरा मिश्रा करके। तो जैसे ही वो ड्राइवर के पास जाते हैं, कहती है, इट्स मी, तो वो ड्राइवर कहता है, मैम आपका तो वेलकम है, चलिए मुझे अंजना मैम ने भेजा है आपको पिकअप करने के लिए। तो कहती है, ओके हमारा लगेज है वो रख लीजिए। तो फिर वो लगेज रख देते, फिर मोहिनी और कायरा गाड़ी में बैठते हुए जाते हैं। तभी जब वो लोग बैठे हुए रहते हैं तो मोहिनी इधर बाहर उधर देख रही रहती है, तभी कायरा उसे बताती है कि ये जो दिख रहा है ना, ये ब्रिज, ये देखो कितना ब्रिज कितना सुंदर है ना, यहाँ हमारे यहाँ बनाया गया है, बहुत ब्यूटीफुल है, रात को देखना यहाँ की लाइटनिंग बहुत अच्छी होती है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये गार्डन एरिया है, यहाँ बहुत अच्छा है, ये थोड़ा सा अभी थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है, बट जब मैं पहले था ना बहुत अच्छा था, मतलब कॉलेज टाइम पे तो बहुत अच्छा तरीके से मेंटेन किया था, अभी शायद इतने अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे, और ये चीज़ देख रहे हो ना, ये कितनी सुंदर है। तभी मोहिनी कहती है कि यहाँ की बेस्ट चीज़ क्या है अहमदाबाद की, जो चीज़ है? तभी वो ड्राइवर भैया कहते हैं कि यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है और यहाँ का खाना आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कहते हैं, नहीं मैं ज़्यादा फूडी तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे घूमने का बड़ा शौक है, तो कहाँ पर कुछ अच्छी प्लेसेस है? तो मोहिनी कहती है, तभी कायरा कहती है मोहिनी को, तुम वेट करो ना, मैं शाम को तुम्हें ले चलूँगी ना, और वैसे भी मेरी एक्टिवा रखी हुई है और हम उस एक्टिवा से आराम से घूमेंगे, बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, और शाम को हम अच्छे से जाएंगे, पहले मम्मी से मिल लें। तो कहती है कि हाँ आंटी से मिल लेते हैं, मुझे तो बहुत नर्वस फील हो रहा है, मोहिनी कहती है। तो कहती है, इसमें नर्वस क्या होना है, मम्मा बहुत कूल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से रिएक्ट करेंगी, बस तुम थोड़ा सा शांति से रहना, हाँ पैनिक मत होना,
क्योंकि स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ी बहुत डांट पिटने वाली है, तो ध्यान रखना। तो कहती ओके आई विल एंजॉय जब तुम्हें डांट पड़ेगी। तो कहती ओ तुम कितनी बेकार हो, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई डांटेगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा, एटलीस्ट यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर इट। तो तभी मोहिनी कहती है अरे मेरी गर्लफ्रेंड को कोई डांटेगा मतलब क्या है, उसे उनकी मॉम डांटेगी, और जब मॉम और बेटी के बीच में कभी नहीं आना चाहिए, मैं खुद अपनी मॉम को कुछ नहीं बोलती हूँ तो फिर किसी और की मॉम को क्या बोलूँगी। सो नो नो मैं तो बस इंटरटेनमेंट की तरह देखूंगी और इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी कायरा, इट्स इट्स ऑल अप टू यू। तो कहती ओके फाइन। ऐसी बात करते करते ये लोग पहुंच जाते हैं। जैसे ये लोग पहुंचते हैं वहाँ अंजना आंटी वेट कर रही रहती हैं, और संडे का दिन रहता है तो सॉरी संडे तो निकल गया है, तो मंडे का दिन रहता है, तो अंकल नहीं रहते हैं यहाँ पर। जो अंकल रहते हैं वो तो चले जा चुके रहते हैं अपने ऑफिस वर्क के लिए, मतलब कायरा के पापा जा चुके रहते हैं। तभी अंजना मैं आंटी बैठी रहती है, जैसी मोहिनी वो घर देखती है तो वो घर काफ़ी बड़ा रहता है और बहुत ब्यूटीफुल रहता है, मतलब कायरा का घर अच्छा बड़ा रहता है और ब्यूटीफुल रहता है, बहुत प्यार से मतलब मेंटेन किया जाता है। आगे एक छोटा सा गार्डन रहता है कायरा के घर के वहाँ पे, जिसे बहुत अच्छे से मेंटेन किया रहता है। तो जो मोहिनी रहती है वो गार्डन के वहाँ पे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है, वो वहाँ जाकर देखने लगती है। कायरा को लगता है कि मोहिनी उसके पीछे आ रही है, तो कायरा बातें करते करते आगे चली जाती है और गेट ओपन करके खड़ी होती है। तभी वो कहती है और मम्मा, तो तभी उसकी मम्मी कहती है तुम अकेली आई हो? तो कहती नो मॉम, पीछे आपको मोहिनी दिख रही है क्या? तो उसकी मम्मी ऐसे टर्न होती हैं और ऐसे साइड में होती हैं और कहती हैं कि मुझे तो नहीं दिख रही, शायद इनविजिबल हैं या फिर मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो वो कहती मॉम कैसी बात कर रहे हो, रुको मैं ज़रा टर्न होती हूँ, और टर्न होके देखती है तो कहती अरे मोहिनी कहाँ चली गई तुम? मोहिनी तो मोहिनी को बाहर देखने के लिए दोनों अंजना आंटी प्लस कायरा थोड़ा बाहर जाते, तो वो देखते कि वो गार्डन एरिया के वहाँ पे खड़ी है और फ्लावर्स को बहुत प्यार से देख रही है, और वो बहुत अच्छे से छोटी थोड़ी थोड़ी देर में वो हर एक फ्लावर्स की पिक ले रही रहती है, उसे बहुत पसंद आते हैं। तभी कायरा चिल्ला के बोलती मोहिनी माय मॉम इज़ वेटिंग फॉर यू। तो वो टर्न होके बोलती है नमस्ते आंटी, वो एक्चुअली ना गार्डन बहुत ब्यूटीफुल है एंड मैंने इतना इतना प्यारा गार्डन आज तक नहीं देखा, दैट 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 इज़ टोटली अमेजिंग। और ये वहाँ पे ये फ्लावर्स हैं जो रैंडमली कहीं पर भी नहीं मिलते हैं, बहुत रियली फ्लावर्स हैं ये। तो उसकी मम्मी आके बोलती हैं कायरा की कि मैंने इसे बहुत प्यार से किया है और मुझे गार्डनिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक है, तो मैं मेंटेन करती हूँ। तो कहती आंटी बहुत अमेजिंग तरीके से आपने मेंटेन किया है, बहुत सुंदर है। तो कहती यहाँ पर जो आंटी रहती हैं मतलब अंजना आंटी मतलब कायरा की मॉम, वो थोड़ी सी इम्प्रेस्ड हो चुकी रहती हैं मोहिनी से, क्योंकि मोहिनी का इस तरीके का बिहेवियर लाइक आके थोड़ा इंटरेस्ट शो करना उसकी चीज़ों में उन्हें अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं उसके जो नेगेटिव प्रस्पेक्टिव थे कि लाइक वो कैसी होगी लड़की, किस तरीके की होगी, किसने मेरी बेटी को अपने जाल में फंसा लिया, ये सारे जो थॉट फॉर्म्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अब चेंज होने लग रहे रहते हैं। जैसी वो देखती हैं और बात करती हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, और मोहिनी की तहजीब कायदे तरीके से बात करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये लोग अंदर जाते हैं बैठते हैं, तभी जो वहाँ पे जो मेड रहती है उन्हें अंजना आंटी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बच्चों के खाने के लिए लेकर आया जाए, तो बच्चों के खाने के लिए थोड़ा बहुत स्नैक्स लाया जाता है, मीन्स स्नैक्स के साथ टी कॉफ़ीज लाई जाती है। तो जो मोहिनी रहती है उससे जब आंटी पूछती है कि आप कॉफ़ी लोगे या टी, तो वह कहती है कि आपकी जो इच्छा हो आंटी मैं दोनों पी लेती हूँ। तभी मोहिनी के ये बोलने पे कायरा बोलती है अरे तुम तो हर बार कॉफ़ी पीती हो ना, तुम्हें तुम्हें तो कॉफ़ी पसंद है ना, तो मॉम कॉफ़ी चलेगी और मुझे भी कॉफ़ी चाहिए। तभी मोहिनी कहती है कि कायरा मैं कॉफ़ी पीती हूँ ये बात सच है, बट आंटी की जो इच्छा हो वो भी पी सकती हूँ, मुझे चाय पीने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बिहेवियर देख के यहाँ अंजना आंटी काफ़ी शॉक्ड हो रही थी, या तो ये हो सकता है कि मोहिनी ज़्यादा ही स्वीट बनने की कोशिश कर रही है,
या एक्चुअल में वो स्वीट थी। अब ये बात तो कायरा और मोहिनी जानते हैं कि वो दोनों कैसे हैं, पर यहाँ अंजना आंटी के लिए तो थोड़ा अलग ही था। थोड़ी देर में वो जाती हैं और वहाँ इंस्ट्रक्शंस दे देती हैं कि मतलब टी बना के ले आओ। तो क्योंकि अंजना आंटी को भी टी पसंद रहती है और मोहिनी के लिए भी टी आती है और कायरा के लिए कॉफ़ी आती है, यहाँ पर सब पी के होते हैं। तो जो मोहिनी के तरफ देखते हुए अंजना आंटी पूछती हैं, तो बेटा आपके फैमिली में कौन कौन है? तो वह कहते हैं कि आंटी मेरे जो डैड है वो बिल्डर हैं, और यहाँ पर आपने वो जो साइट देखी है ना, रघुवंशी साइट, आपके कुछ अहमदाबाद में किसी एरिया में, मतलब वो एरिया का नाम क्या है, वो यहाँ से थोड़ा मिड ऑफ दैट थोड़ा ऑकवर्ड एरिया में जो सिटी बन रही है। तो कहते हैं हाँ वहाँ पर एक सिटी बन रही है, वो हाँ वो मेरे डैड का कंस्ट्रक्शंस पूरा वहाँ चल रहा है, मेरे डैड वो हैंडल कर रहे हैं, और मेरी फैमिली में मेरी मॉम है, मैं हूँ और डैड हैं, बस कोई सिबलिंग नहीं है आपका? तो वो कहते हैं नहीं आंटी कोई सिबलिंग नहीं है, बस मैं ही हूँ। तो फिर आप तो घर की बहुत लाडली होंगी, अंजना आंटी बोलती हैं। तभी मोहिनी हंसते कहती है कि हाँ हूँ, बट मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरी आंटी बहुत डांटती हैं, पापा तो बहुत प्यार करते हैं, हाथों में मतलब रखा हुआ है, जो बोलो वो हो जाती है, बट मम्मी के साइड से थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है। तो आपके घर में पता है कि आप कायरक को प्यार करती हैं? तो मोहिनी कहती है कि नहीं आंटी अभी तक तो कुछ भी नहीं पता है, इवन आई डोंट नो ऑल्सो, मुझे खुद ही नहीं पता था कि मुझे कायरा से कभी प्यार है, और मुझे तो खुद समझ में नहीं आया था कि हम दोनों के बीच में कुछ हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम दोनों बहुत फाइट करते थे एक दूसरे से, फिर धीरे धीरे तब फाइटिंग चेंज होकर किसी और में बदल गई, पता ही नहीं चला। ओके, तो आपको पता है मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? अंजना बोलती हैं। तभी वो बोलती हैं कि हाँ वो आपको मुझसे मिलना था। तो कहती है नहीं, मुझे तो आपसे मिलना था, वो तो ठीक है, बट शायद कायरा ने आपको बताया नहीं है कि यहाँ पे उसकी शादी के लिए उसको बुलाया गया था, क्योंकि हमारे यहाँ के गुरुजी हैं, उनसे ही हम सारे डिसीजन लेते हैं, चाहे वो कोई से भी हों। तो वो जब आ ही रहे हैं, कल कल वो आ रहे हैं, तो उनके आने पर आपके साथ बैठकर आपकी और कायरा की शादी का फिक्स कराया जाएगा, उन्हें आप दोनों का दिखाया जाएगा। पहले तो रिद्धि के साथ फिक्स होनी थी, पर रिद्धि के साथ तो अब कायरा ने ब्रेकअप कर लिया है, तो एट प्रेजेंट आप ही उनकी गर्लफ्रेंड, तो आपके साथ ही शादी का किया जाएगा। मोहिनी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और स्पीचलेस हो जाती है, वो ऐसा लगता है कि वो क्या ही बोले, क्योंकि उसको तो शादी का कुछ पता ही नहीं रहता, अब वो डरी हुई रहती क्योंकि उसने अपनी फैमिली को भी कुछ नहीं बताया। तभी वो एकदम से बोलती कि आंटी सॉरी टू से दैट, बट आई एम नॉट हेयर फॉर मैरिज पर्पस, आई एम नॉट श्योर अबाउट कायरा, आई एम नॉट, हमें सिर्फ एक दूसरे को जाने हुए सिर्फ 1 या 2 महीने हुए हैं, शादी बहुत बड़ी बात है, आई मीन बहुत बड़ी चीज़ है, इट्स अ फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड आई डोंट थिंक कि आई एम कैपेबल टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे तो वक्त चाहिए और मैं शादी का तो सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मैंने तो अभी तक अपना ग्रेजुएशन, आई मीन मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं किया अभी, और अभी तो मेरी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, तो आंटी आप कैसे बोल सकती हैं? तभी अंजना बोलते हैं कायरा आपने बताया नहीं मोहिनी को कि आप यहाँ पे किस पर्पस के लिए आई है। तभी कायरा कहती मम्मा आप कैसी बात कर रहे हो, अब शादी शादी का तो नहीं था ना, आपने तो शादी मेरी रिद्धि के साथ बोली थी, और फिर रिद्धि के साथ जब मेरा ब्रेकअप हो चुका है तो आपने सिर्फ बोला था कि मोहिनी को लेकर आना है, तो मैं मोहिनी को लेकर आ गई हूँ, ये तो गलत बात है ना शादी, एंड इवन आई एम नॉट ऑल्सो रेडी फॉर द मैरिज पर्पस, क्योंकि अभी हम दोनों को समय चाहिए, हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है, और आप शादी की कैसे बात कर सकते हो? अमेजिंग, काफ़ी अमेजिंग बात है, आप दोनों यहाँ मेरे सामने बैठे हैं
और आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं पर श्योर नहीं है। किस टाइप का रिलेशन है ये? और मैं तो ये चीज़ के लिए शौक हूँ कि मोहिनी आप उस इंसान के साथ हो जो इंसान 4 साढ़े 4 साल ऑलरेडी रिलेशन में थी किसी और लड़की के साथ, तब भी वो उस इंसान के लिए श्योर नहीं है। उस इंसान की फीलिंग्स चेंज हो गई तुम्हारे मिलने के बाद सिर्फ और सिर्फ 1 या 1.5 महीने में। उस इंसान से तुम क्या उम्मीद रख सकती हो? कायरा जब ये सारी बातें अपनी मॉम के मुंह से उसके बारे में सुनती है, वो शॉक्ड हो जाती हैं। और मोहिनी भी शॉक्ड होकर एकदम से कायरा की तरफ देख के बोलती हैं कि ये क्या था? तो वो कहती है, आंटी मतलब क्या है आपका? तो कहती है, आप बोल रहे हो कि आप अपने रिलेशन में श्योर नहीं हो, मैं आपके बारे तो एक बार कंसिडर कर सकती हूँ कि चलो आप कायरा को मिले हो 1 या 2 महीने हुए, आपको तो टाइम चाहिए। बट जो लड़की 4 साल किसी और के साथ रिलेशन में थी, आराम से उसने रिलेशनशिप 4 साढ़े 4 साल से निभा रही थी, उस इंसान के लिए वो श्योर नहीं थी। वो 2 महीने के प्यार के लिए अपना 4.5 साल का रिलेशनशिप तोड़ दी। आप उसके भरोसे बैठे हो अपने रिलेशनशिप की कि श्योर होगे कि नहीं? कायरा कभी श्योर नहीं होगी। कायरा को तो बस क्या चाहिए उसे खुद नहीं पता है। उसका तो बचपन से ही ऐसा है, पहले एक टॉय के लिए जिद करती थी और जब वो टॉय उसे नहीं मिलता था तो उसके लिए रोती थी, फिर जब वो टॉय उसे मिल जाता था उसके साथ खेल के 2 दिन मन बहलाकर वो टॉय को भी फेंक देती थी। तो मुझे तो आजकल ऐसा लगता है कायरा, तुमने टॉय का जो शौक था वो अभी तक तुम्हारा गया नहीं है, और वो शायद तुम इंसानों में भी यूज़ कर रही हो। कल गुरुजी आएंगे, तुम दोनों से बात करेंगे, उसके बाद कोई भी डिसीजन दिया जाएगा। फिलहाल तुम दोनों आराम से रहो, एंजॉय करो। एक्टिवा की कीस वहाँ रखी है, पेट्रोल पूरा भरा दिया है, मोहिनी को जाके घुमाओ। और मोहिनी आपका ऊपर रूम है, आप फ्रेश हो जाइएगा, कायरा का रूम अलग है। तो कहती हूँ, जी आंटी। और ऐसे बोल के मोहिनी थोड़ा गुस्से में रहती है और वो वहाँ से चली जाती है अपने रूम पर। जैसे ही वो रूम का दरवाज़ा लगाती है वो काफ़ी गुस्से में रहती है। मोहिनी के ये बिहेवियर से तो कहीं ना कहीं अवेयर थी कायरा। कायरा को पता था मोहिनी को गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आता है, और मम्मी उसकी मॉम के कहने के बाद ये सारी चीज़ें, तो गुस्सा होने वाली तो जाहिर सी बात थी। तो मोहिनी के जैसी रूम पर जाने के बाद कायरा भी अपनी चाय को रखकर फटाक से उसके पीछे भागती है और भागकर उसे बोलती, बेबी लिसन टू मी। तो कहती, व्हाट डू यू वांट मी टू लिसन इट? ओके, योर मॉम इज सेइंग दैट यू आर नेवर श्योर अबाउट एनीबॉडी। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मम्मी जो कह रही है वो सही कह रही होंगी, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है। हाँ, और जाहिर सी बात है कि जब जब उनका कहने का भी मतलब क्या गलत है यार? 4 साल के रिलेशनशिप में तुम श्योर नहीं हो पाई हो रिद्धि के लिए, तो मेरे लिए क्या श्योर होगी? और शादी, आई एम टोटली कंफ्यूज कि तुम्हारे साथ मेरी शादी, दैट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं कभी सोच भी नहीं सकती यार, और मुझे तो पता भी नहीं है कि तुम्हारा मेरा रिलेशनशिप शादी तक रहेगा भी कि नहीं, बट क्या बोलूँ। तो कहती, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो मोहिनी? कायरा और मेरा इसलिए नहीं बना, मेरा और रिद्धि का इसलिए नहीं बना क्योंकि शायद हमारे में एज गैप भी है, बट इट डजेंट मीन यार कि मैं प्यार नहीं करती हूँ। मतलब था हमारे बीच में, बट वन वंस आई गेट अ बेस्ट पर्सन तो क्यों, वो होता रहता है, उसको तुम इतना ध्यान मत दो और मेरी मॉम की बातों को उतना ध्यान मत दो। एंड बाय द वे, वो मेरी रियल मॉम नहीं है, शी इज़ माई स्टेप मॉम। तो वो स्टेप मॉम तो अपनी बेटी के बारे में कुछ भी कह सकती है ना। मेरी रियल मॉम तो मेरे पैदा होने के जब मैं 2 साल की थी वो तभी गुजर गई थी। तो मैं क्या बोलूँ, जैसे ये बात मोहिनी सुनती है मोहिनी को बहुत हर्ट होता है कि मतलब ये रियल मॉम नहीं है। तो एकदम से आके कायरा को हक करती है
और कायरा को बोलते कि कायरा आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था यू यू जस्ट वो आपकी स्टेप मॉम है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड हाउ द स्टेप मॉम रिलेशन हैव वो लग ही रहा था मुझे कि वो तुम्हारी रियल मॉम है भी कि नहीं, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि हाउ डिफिकल्ट इट्स टू स्टे विद अ स्टेप मॉम। मैंने मेरी फ्रेंड है ना उसकी मम्मी को देखा था, वो उसके साथ ऐसी बिहेव करती थी, तो कहती मेरी मम्मी को तो बस मेरी क्वालिटीज़ दिखती ही नहीं है, वो तो हर किसी के सामने मेरी बेइज्जती कर देती हैं और वो मुझे इतना प्यार भी नहीं करती हैं, उन्होंने तो कभी मुझे अपनी रियल बेटी माना ही नहीं है, हर टाइम ना उन्होंने मेरे साथ ऐसे ही बिहेव किया है, और यही वजह है जिसकी वजह से मैं किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ। मैं नहीं चाहती का किसी को भी पता चले कि मेरा और मेरी मॉम का रिलेशन सही नहीं है, और यही वजह थी कि मैंने मोहिनी आपको नहीं बताया। मैंने सोचा था कि मेरी मॉम आपके साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करेंगी, बट आज पता चलता है कि मेरी मॉम ना ऐसी ही हैं, उन्हें किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ अपनी ही चीज़ें दिखती हैं अपने तरीके से, एंड यही बात ना मुझे बहुत अकेला कर देती है। और पता है यही चक्कर में ना कहीं मैं रिद्धि के भी क्लोज आ गई थी, क्योंकि मेरी मॉम से लड़ाई झगड़े, ऑफिस में अकेला, कॉलेज, घर में अकेलापन, क्या करती मैं बस यही इसी चक्कर में मैं बस यही हुआ मेरे साथ। पर क्या समझाऊँ किसी को कोई कदर ही नहीं होती ना, ये बहुत बड़ा सच है। मोहिनी कायरा को हग करते हुए बोलती हैं कि आप रो मत यार, मैं समझ सकती हूँ कि कितना डिफिकल्ट होता है बीइंग अ गर्ल, आई कैन अंडरस्टैंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, सो आप रो मत, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बहुत अच्छे से प्यार कर सकूँ, आप रो मत, और मैं जाकर ना अभी आती हूँ, मैं फ्रेश हो जाती हूँ। ये बोल के मोहिनी चली जाती है। जैसी मोहिनी वॉशरूम में जाती है कायरा अपने आंसुओं पोंछते हुए कहती है, ओ गॉड, थैंक गॉड, सॉरी गॉड, एक्चुअल में ना मैंने सॉरी बोला क्योंकि मेरी मॉम अंजना मॉम मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझे रियल बेटी की तरह पाला, बट रियलिटी तो यही है ना कि वो स्टेप मॉम है, और अगर स्टेप मॉम का लेके फ़ायदा उठा के अगर मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को पटाने का मौका मिलता है तो इतना तो चलता है ना, भगवान माफ़ कर देना यार कि मैंने ऐसी हरकत करी है, बट क्या बोलूँ कभी कभार ना ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। एवरी थिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, एंड वैन इट्स कम टू द लव अब तो हैंडल करना पड़ेगा ना। बाय द वे आई एम रियली सॉरी गॉड, पर मैं क्या करूँ, मुझे तो सिर्फ यही दिखा कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे पटाना है, बट अगर मैंने उसे नहीं पटाया होता तो आज बाप रे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, सो सॉरी गॉड, बट चलता है ना इतना। ये बोल के वहाँ चली जाती है। थोड़ी देर में जो कायरा रहती है वो नीचे जाती है और अपनी मम्मी को जम के चिल्लाने लगती है और कहती है, मॉम हद हो गई है आपकी, किस तरीके से आप ना बात कर रहे हो, आप मुझे किस टाइप की लड़की समझ के रखा है कि मैं लड़कियां चेंज करती रहती हूँ, कभी टॉय के बारे में बोल रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो, आपने सोचा भी है कि अगर ये बात मोहिनी सुनती तो उसको क्या लगता, आपने तो मेरा रिलेशनशिप पूरा तोड़ने के लिए, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या मोहिनी पसंद नहीं आई है, और पसंद ना पसंद की तो बात डिफरेंट है, आपने कभी एक बार जानने की भी कोशिश करी है। तभी उसकी मम्मी कहती हैं कि ओ ओ माय गॉड, तो तुम अब मुझे बताओगी कि क्या सही और क्या गलत है तुम्हारे लिए, तो कहती नो मतलब सही और गलत की क्या बात है, कि वो बात नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन आपको ऐसे मोहिनी के सामने नहीं बोलना चाहिए था, आप मेरी मॉम हो, आप ही मेरा इंप्रेशन इतना गलत मोहिनी के सामने डाल रही हो, और अगर कुछ हमारे रिलेशन को हो गया, तो कहती है ओ तो तुम्हें अब अपने इंप्रेशन की पड़ी है, और तुमने जो हरकतें करी हैं, हाँ तुमने रिद्धि का दिल तोड़ा है, कभी सोचा भी है कि रिद्धि का दिल तोड़ के तुम कैसे मतलब रह रही हो, तो कहती क्या दिल तोड़ा है मम्मा, आप लोगों ने तो मुझे कल्प्रिट बना दिया है यार, और रिद्धि को विक्टम बना दिया है कि
रिद्धि हर चीज़ में सही है, मैं ही गलत हूँ, रिद्धि के अलावा तो कोई और लड़की मुझे पसंद नहीं आ सकती है। हर टाइम आपका रिद्धि 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 चलता रहता है। अरे हाँ रिद्धि अच्छी है, बट आपको समझ में नहीं आता वो एज में कितनी बड़ी है मुझसे। और जब मुझे एक अच्छी बेटर लड़की मिल रही है सेम एज की, जो अच्छी है, जो मुझे खुश रखेगी, जिसका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, जो हर चीज़ में बहुत अच्छी है, तो आप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ और क्या रिद्धि है, हाँ रिद्धि अच्छी है, बट इतनी भी परफेक्ट इंसान मुझे नहीं चाहिए जो ऑल टाइम मेरे को छोड़ के बस दूसरों को देखते रहे। कभी आपको खुश करने में लगी रहती है, कभी कॉलेज को खुश करने में लगी रहती है, कभी किसको खुश करने में लगी रहती हैं। उन्हें ना पूरी दुनिया को खुश करना है सिवाय अपनी गर्लफ्रेंड छोड़कर। और मुझे ऐसे इंसान नहीं चाहिए जो पूरी दुनिया को देखता रहे और मुझे छोड़कर। तभी तभी उसकी मम्मी कहती है कि तुम कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो, और तुम्हें हुआ क्या है? आज से कुछ महीनों पहले तुम मर रही थी कि हाँ भाई मुझे शादी करनी है, मुझे रिद्धि चाहिए, मुझे रिद्धि गर्लफ्रेंड के अलावा चाहिए नहीं है, मुझे रिद्धि के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता, रिद्धि जितने अच्छे से मुझे समझती है वो बहुत अच्छे से समझती है, ऑल टाइम रिद्धि रिद्धि कर रही थी। और सडनली से ऐसा क्या हो गया तुम्हें दिल्ली भेज कर कि तुमने ऐसे बोलना स्टार्ट कर दिया? तो कहती है हाँ मॉम मैं कर रही थी रिद्धि रिद्धि, हाँ मैं डेफिनेटली चिल्ला रही थी रिद्धि रिद्धि, क्योंकि रिद्धि के अलावा मेरी लाइफ में कोई था ही नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आया, मुझे जो चीज़ मिली वो अच्छी थी। आई डिडेंट गेट अ वेराइटीज़, अगर मुझे वेराइटीज़ मिलती तो मैं पता कर सकती थी ना कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यहाँ तो बस एक रिद्धि मिली और रिद्धि के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, हो गया। बट अगर मुझे रिद्धि के अलावा भी बहुत से लोग मिलते तो मुझे पता चलता ना कि अच्छा है। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि रिद्धि और मेरे बीच में एज डिफरेंस की वजह से बहुत इश्यूज होते हैं, लेकिन लेकिन मोहिनी के साथ नहीं है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे मोहिनी के साथ। और मॉम जब रिद्धि को कोई प्रॉब्लम नहीं है, शी एक्सेप्ट आर रिलेशनशिप, सो वाई यू आर नॉट एक्सेप्टिंग आर रिलेशनशिप? हाँ इतना क्यों आप ऐसे नाटक कर रहे हो? अरे आपको तो खुश होना चाहिए। मतलब रिद्धि को जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी उसकी मम्मी कहती है ओ रिद्धि को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रिद्धि ने ना सच्ची में तुमसे ना बेहद तरीके से प्यार किया है, इसलिए ना वो तुम्हें हर तरीके से हैंडल करती हैं, हर तरीके से देख रही हैं, हर तरफ से तुम्हारी इतनी गलतियों को भी उन्होंने नेगलेक्ट किया, हर चीज़ किया। पर क्वेश्चन अराइज होता है कि तुम्हें ये चीज़ कभी समझ में नहीं आएगी। तो कहती है तो क्या करूँ, रिद्धि की पूजा करूँ, रिद्धि को क्या मतलब भगवान बना दूँ? हाँ ठीक है समझा उसने, जाना मुझे, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं रिद्धि रिद्धि हर टाइम करती रहूँ। और मॉम इट्स ओके जस्ट फाइन, रिद्धि को कोई ना कोई अच्छा मिल जाएगा इंसान, उसकी भी शादी हो जाएगी, कोई उसको मिल जाएगा, और फॉर द हेल वो हो गया ना, जब था तब था, अब नहीं है, दैट्स इट। ये सारी बातें जब वो बोल रही रहती है और कहती है अब रिद्धि को देवता तो बना के मैं घूम नहीं सकती ना, और रिद्धि को तो देवता बनने की आदत है, सबकी गुड्स बुक में आना है, मेरे बस की बात नहीं है, और मैं देवी से शादी नहीं कर सकती हूँ, सो दैट वॉज नॉट माई, आई लव टू बी लाइक चिल पर्सन, अच्छी है, ये था मतलब अच्छी है मोहिनी, अच्छी है, मस्ती मजाक करती है हर एक चीज़ के लिए, बट रिद्धि इज सो बोरिंग, इट्स लाइक ऑल टाइम वो लेक्चर ही झाड़ती रहती हैं, ये करना है वो करना है, भाई मैं इतना नहीं हैंडल कर सकती। जब अंजना आंटी रिद्धि के बारे में इतने नेगेटिव थॉट्स फॉर्म सुनती हैं कायरा से, तो कहीं ना कहीं वो खुद भी बहुत अपसेट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं, और उन्हें ना बहुत ज़्यादा हर्टफुल लगता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा हर्टफुल किसी और को लग रहा था, क्योंकि इन दोनों के कन्वर्सेशन के चक्कर में इनको नहीं पता था कि इनका कन्वर्सेशन, जो ये लोग हॉल में एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे, उस कन्वर्सेशन को कोई सुन रहा था, और वो रिद्धि के पापा थे। जैसे ही रिद्धि के पापा वो कन्वर्सेशन को सुनते हैं, उनको ना एक टाइप का ना शॉक लगता है कि जिस लड़की से मेरी बेटी ने बेपनाह प्यार किया, जिसके लिए उन्होंने पूरा मतलब उसने अपनी सारी चीज़ों को साइड में रखा, और जिस लड़की की फैमिली प्रॉब्लम्स को अपनी फैमिली प्रॉब्लम समझ के हर एक चीज़ करी, वो बंदी
आज उसको एकदम निगलेक्ट तरीके से बोल रही है, देवी बोलकर उसको कर रही है, बोरिंग इंसान बोल रही है उसके बारे में, इतना अजीब अजीब सा बोल रही है। जो कल तक उसको उसके अपनी जान मानती थी, आज तो जान छोड़ो, आज उसके एब्सेंस में इतना अजीब तरीके से बोल रही है। तो ये सुन के उसके पापा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तभी एकदम से अंजना आंटी जब देखती हैं रिद्धि के पापा को, तो वो कहते हैं, अरे नमस्ते नमस्ते भाई साहब, आप यहाँ क्यों, आप बाहर क्यों खड़े, आप आइए। तभी उसके पापा कहते हैं कि, और रिद्धि भी और कायरा भी एकदम से देखती है, तो अब वो शॉक हो जाती है, तो वो कुछ बोलती नहीं है। तभी अंकल बोलते हैं कि मैं आपसे कुछ बात करने आया था, मैं तो यहाँ कुछ काम से आया था, बट कुछ नहीं, ठीक है मुझे चलना चाहिए। तभी अंजना आंटी बोलते, अरे नहीं नहीं आप रुकिए ना, आप बताइए ना आप क्या काम से आए। तो कहते कि जो इस काम के लिए आया था वो तो मैं भूल ही गया, बट मैं आज यहाँ पर किसी और का ये रूप देख के बहुत शॉक्ड हूँ। और ये बोलकर उसके पापा वहाँ से तुरंत चले जाते हैं। थोड़ी देर भी जो रहता है कायरा का इस बिहेवियर, इतना वर्स्ट बिहेवियर और जिस तरीके का होता है, उस पर कोई भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। और ख़ासकर कैसे कोई सर्वाइव कर पाएगा, मतलब जो उनकी बेटी की ही इज्जत नहीं कर रहा है, वो सीधे सीधे बोल रहा है कि भाई मेरी मतलब क्या इतना इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, तो कोई उसके साथ कैसे रह सकता है। तो अंकल वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे वो अपने घर जाते हैं, घर जाने के बाद प्यार से बैठते हैं, आराम से होते हैं, तो रिद्धि उनसे पूछते कि पापा क्या हो गया है, आप इतने साइलेंट क्यों हो, एवरीथिंग इज़ ओके। तो वो अपने उसके जो पापा रहते हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं, मतलब सिर्फ अपनी बेटी की तरफ बहुत उम्मीदों भरी नज़रों से देख रहे रहते हैं। कायरा का मतलब सारी बातें उनके जहन में चल रही रहती है कि देवी बनना रहता है उसे, तो उसे तो कोई लेना देना नहीं है, मुझे ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए। बहुत मतलब एकदम दिल दिल को मतलब चीर देने वाली वो सारी बातें उनके दिमाग में आ रही रहती है। तो थोड़ी देर तक तो ऐसा रहता है कि कोई कुछ बोलता नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं बोलते हैं वो। फिर थोड़ी देर बाद जो वो रिद्धि बहुत बार बोलती है, पापा क्या हो गया है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, ऑफिस की टेंशन है क्या पापा, प्लीज़ बताओ ना। तो वो उसके पापा बोलते, नहीं बेटा कुछ नहीं है, तुम टेंशन मत लो, मैं बाद में बात करता हूँ। थोड़ी देर के बाद रिद्धि को भी कुछ अजीब सा लगता है, तो रिद्धि बोलती है कि पापा लगता है आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आप रेस्ट करो, और ये बोल के वो रूम से निकल जाती है। थोड़ी देर में जब वो वहाँ से रूम से निकल जाती है तो उसको सडनली से थोड़ा अजीब सा लगता है, तो वो भी एकदम से रश्मि को कॉल करके बोलती है कि रश्मि, तो तभी रश्मि बोलती है कि हाँ बोलना रिद्धि, क्या हो गया तू इतनी साइलेंटली क्यों है। तो कहती है पापा ना बहुत ज़्यादा टेंस लग रहे हैं, वो बता ही नहीं रहे क्या हुआ है, आज तक पापा ने मेरे साथ कभी ऐसे बिहेव नहीं किया है, यूजुअली आई जस्ट ऑलवेज टॉक टू हिम एंड आस्क कि क्या हो रहा है, बट वो मुझे इस बार मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा यार। तो तभी वो बोलते कि ऐसी बात है क्या, तू बोले तो मैं आकर अंकल से बात करूं क्या। तो कहती है कि हाँ हो सकता है, तुझे लगता है तो तू आ जा यार, मुझे कोई इशू नहीं है। तो कहती है डोंट वरी, हम लोग यहीं पर है तेरे घर के एरिया के पास, हम आते हैं। थोड़ी देर में करीब 10 से 15 मिनट के बाद वो जैसी आ जाते हैं, जैसी आते हैं तो जो रश्मि और जिया आते हैं और बोलते हैं कि तू ठीक तो है। तो कहती मैं तो ठीक हूँ, पापा थोड़े अलग लग रहे हैं, पापा अपने रूम पर है, देखना जाना तुझसे तो एक बार की बात करके बता भी देंगे, शायद ऑफिस का टेंशन हो या शायद मेरा टेंशन हो सकता है वो जब से उन्हें कायरा के बारे में पता चला है तो मे बी वो ना मेरी टेंशन लेकर बैठे हैं, तो एक बार तू बात कर लेना, रिद्धि बहुत प्यार से बोलती है। तभी वो बोलते कि हाँ यार तू टेंशन क्यों ले रही है, मैं बात करती हूँ, एकदम से ऐसे जाती है। और रश्मि जैसी गेट ओपन करती है कि उसके जो पापा रहते हैं वो फ्लोर पे गिरे हुए रहते हैं, तब भी रश्मि एकदम से चिल्लाती है रिद्धि, तो रिद्धि एकदम से भाग कर आती है, बोलती कि क्या
क्या हुआ? और रश्मि कहती है अंकल नीचे गिरे हैं, कुछ हुआ है समथिंग। और देखते हैं तो अंकल जो मतलब उसके जो पापा रहते हैं उनको पूरे पसीना पसीना, एकदम से हालत ख़राब हो जाती है, हालत एकदम ख़राब होती है। जिया बोलती है कि हमें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो कहती है कि हमें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। और उस समय क्या होता है कि रात का टाइम रहता है तो कुछ नहीं होता, तब भी एकदम से जिगर का फ़ोन जिया के पास आता है और जिगर बोलता है कि यार कहाँ हो तुम लोग, मुझे बुलाकर गायब हो गए क्या? तभी वो बोलता है कि नहीं, हम रश्मि के यहाँ, हम रिद्धि के यहाँ हैं, रिद्धि के पापा की तबीयत ख़राब है, तू जल्दी गाड़ी लेकर आ, हमें हमें हॉस्पिटल लेके जाना है। तो वहीं पर जिगर फटाफट जल्दी से वापस आता है और आकर उसके पापा को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है, रिद्धि के पापा हॉस्पिटल में हैं, क्या होगा आगे जाने की अगले कुछ एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।